साइबर सिटी में क्राइम का ग्राफ तो बढ़ ही रहा था कि अब पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार का ग्राफ लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। ये हम नहीं बल्कि विजिलेंस ब्यूरो की टीम द्वारा जारी भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई बता रही है, जहां विजिलेंस विभाग की टीम ने 72 घंटे में 2 पुलिसकर्मियों के साथ साथ एक चाय वाले को गिरफ्तार किया है। हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो इंस्पेक्टर जयपाल सिंह की माने तो उनकी टीम ने ग्वाल पहाड़ी चौक पर तैनात हेड कांस्टेबल सुनील को 10,000 रुपए मंथली मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आज दिनांक 7/7/2022 को सतीश कुमार डंपर चालक निवासी नांगल चौक महेंद्रगढ़ ने आकर शिकायत की कि वह 4/7/2022 को अपना डंपर लेकर फरीदाबाद से महेंद्रगढ़ जा रहा था, तो ग्वाल पहाड़ी में तैनात हेड कांस्टेबल सुनील ने उसको डंपर को रोक कर उससे मतलब जो है कहा कि जो अब डंपर चलाना है तो आपको 10,000 रुपये मंथली के रूप में देना पड़ेगा, जिस पर वो बोला कि मैं आपको इसके बारे में बतलाऊंगा। इसके बाद वो दिनांक 5/7/2022 को इनसे फिर मिला कि कुछ आप कम कर लो, जो इन्होंने कहा इस बात की उसने रिकॉर्डिंग कर ली। रिकॉर्डिंग करने के बाद जो है यहाँ पे उनके साथ रेडिंग पार्टी तैयार की गई। रेडिंग पार्टी तैयार करके नियमानुसार कार्रवाई करके 10,000 रुपये रेड हैंडेड ग्वाल पहाड़ी चौकी से गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई नियमानुसार जारी है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुशील कुमार नायब तहसीलदार गुड़गांव को वैछायागांव को नियुक्त करवाया गया था। आगे अभियोग में नियमानुसार कार्रवाई जारी है। अभी अनुसंधान जारी है, जांच का विषय है, जांच की जा रही है। अभी अनुसंधान जारी है, जांच पर जैसा तथ्य सामने आएगा वैसा ही कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि डंपर चलाने के एवज में ग्वाल पहाड़ी चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल सुनील ने डंपर चालक से हर महीने 10,000 मंथली के रूप में देने की बात कही, नहीं तो डंपर को बंद करने की धमकी दी। इस पर डंपर ड्राइवर ने विजिलेंस की टीम को शिकायत दी और विजिलेंस की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए लेते हुए हेड कांस्टेबल सुनील को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा पुलिस का नारा सेवा सुरक्षा और सहयोग है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस इस नारे को पूरी तरह से बदलने में लगी है। पिछले 72 घंटों की बात करें तो हरियाणा विजिलेंस की टीम ने जिस तरह से कार्रवाई की है और 2 पुलिसकर्मियों सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, उससे यही लगता है कि गुरुग्राम पुलिस सेवा करती है उन लोगों की जो उन्हें रिश्वत देता है, सुरक्षा करती है उन लोगों की जो उन्हें पैसे खिलाते हैं, सहयोग करती है उन लोगों की जो उन्हें मंथली देते हैं। बहरहाल विजिलेंस की टीम ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में भी भ्रष्ट और रिश्वतखोर कर्मचारी और अधिकारियों पर विजिलेंस टीम की ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस का नारा सेवा सुरक्षा और सहयोग क्या सिर्फ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी का एक बैनर बन चुका है? गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।